नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज शुरू करने वाले हैं मनोविज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, आगामी रीट भर्ती 2020 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मित्रों, आपको बता दूं मैं तो, दोस्तों हम पूरी पाठ्यक्रम का जो आपकी रीट सिलेबस में इसके अध्याय है उन सभी का अध्ययन कंटिन्यूस करेंगे। दोस्तों हर रोज सुबह 7 बजे आपको इस वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी इकाइयां हैं आपके मनोविज्ञान। देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कौन कौन सी इकाइयां आपके शामिल की गई है उनके बारे में मैं बात करूं तो आपके विषय सूची में कौन कौन सी इकाइयां दोस्तों एक बार देखते हैं। पहली इकाई है आपके मनोविज्ञान का परिचय। दोस्तों ये इकाई अपने को पढ़नी है दोस्तों। मनोविज्ञान की विधियां दूसरी इकाई भी पढ़नी है दोस्तों। फिर मनोविज्ञान व्यवहार के आधार ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, मानव विकास पढ़ेंगे। फिर जो है अधिगम पढ़ेंगे दोस्तों, संवेदना प्रत्यक्षीकरण, इसमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर पढ़ेंगे चिंतन के बारे में और अभिप्रेरणा और संवेग, इन सब के बारे में एक एक वीडियो को लेते हुए हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आपके कौन कौन सी इकाइयां। पहली इकाई हम शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय। जी हाँ दोस्तों, पहली इकाई दोस्तों आपके सामने आ चुकी है, तो हम अब इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको डिस्प्ले पे सही कर देता हूं, आपको ये दिखाई दे ताकि। पहला जो अध्याय है आपके, इसके आज हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। किस प्रकार से ये रहेगा दोस्तों देख लें। यहां पर पहला जो टॉपिक है आपके वो है मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में दोस्तों। मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का इतिहास देखेंगे, पूर्व वैज्ञानिक काल, इन सब बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रस्तावना बिंदु से हम शुरू करेंगे इसको। तो दोस्तों प्रस्तावना बिंदु आपके सामने आ चुका है। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणी कैसे प्रत्यक्षरण करते हैं, सीखता है, सोचता है, याद करता है और समझता है, तथा साथ ही साथ अपने पर्यावरण के वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरीके से वह अंतःक्रिया करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान में जो है वो प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणी किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बिठाता है इनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कुछ इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति क्यों किसी चीज को आसानी से याद कर लेता है तथा दूसरी चीज को काफी प्रयासों में भी याद नहीं कर पाता, व्यक्ति में चिंतन यानी थिंकिंग का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न क्यों होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है आदि आदि, इन सभी प्रश्नों का जो है मनोविज्ञान आंसर ढूंढने का प्रयास करता है। इस उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण ही हम ये सोचने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि एवं अभिसमता तथा स्वभाव में भिन्न होते हैं, वे कभी प्रसन्न तो कभी दुखी क्यों होते हैं, किस प्रकार से वे एक दूसरे के साथ मित्र या शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जबकि उसी कार्य को दूसरे लोग अपेक्षाकृत समय अधिक लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है तथा वह व्यक्ति भी जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान है। एक अनुभवहीन व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद ही इन प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर देता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मनोविज्ञान का अर्थ और उसके लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, दो ग्रीक शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ होता है मित्रों आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है विवेचना। जी हाँ दोस्तों, साइकी और लोगस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकी का अर्थ तो मित्रों क्या होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या होता है विवेचना।
अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, वे कौन कौन से हैं? अरस्तु और प्लेटो। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिविनिज, लोक आदि ने साइकी शब्द का जो अधिक उपयुक्त अर्थ है वो मन को लगाए हैं। जो अरस्तु और प्लेटो थे, इन्होंने जो साइकी शब्द है उसको आत्मा माना था। दोस्तों, क्या माना था? आत्मा माना था। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद में जो है, दार्शनिक लिविनिज और लोक जो है, इसी साइकी शब्द का अर्थ क्या मान रहे हैं दोस्तों? मन मान रहे हैं। तो मन माना इन्होंने, और इस तरह से इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय माना। परंतु आत्मा या मन, ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अप्रेक्षणीय तथा अदर्शनीय था दोस्तों। लेकिन ये जो मत थे ये प्रसिद्ध नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मन और आत्मा दोनों ही ऐसे विषय हैं जिनके बारे में अदर्शनीय जो है विषय वस्तु रहती है। तो दोस्तों, इनके जो मत थे उनको जो है समर्थन नहीं मिला। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति, दोस्तों किसका? चेतना या चेतन अनुभूति का जो है वो लक्ष्य माना है। दोस्तों, दूसरे पेज पे हम पहुंच चुके हैं मित्रों, ये लीजिए आपका चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन माना है। दोस्तों, विलियम वुंट ने तथा इनके शिष्य टीचनर और विलियम वुंट, दोस्तों ध्यान रखना है, विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम है? टीचनर। इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे कि ये जो है वो अनुभूति का विज्ञान है। दोस्तों, ये आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं इसके बारे में। परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती। विलियम वुंट को प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, याद रखना आपको, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जो जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, वह किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने लिप्ज़िग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। दोस्तों, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जो खोला था वो किसने खोली थी? लिप्ज़िग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने कब खोली थी मित्रों? 1879 में। याद रखना है मित्रों, ये आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषा जेबी वाटसन ने सर्वप्रथम दिया था। दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वाटसन। जी हाँ दोस्तों, व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया गया। यह अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मन और आत्मा चेतना से काफी भिन्न थे, क्योंकि ये सभी आत्मनिष्ठ थे तथा जिनका प्रेक्षण भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं माना गया, जिससे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षकरण करना, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान कर सकता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनके सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान तो लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रोक ने, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रोक ने के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों, ये किसने कहा था? सेंट्रोक ने कहा था सबसे पहले परिभाषा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान किसने कहा था? सेंट्रोक ने कहा था। दोस्तों, याद रखना है। बेरोन के अनुसार देखें तो मनोविज्ञान
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है वह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का विज्ञान है। सिसरेली एवं मेयर के अनुसार देखें दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो मित्रों ये तीन परिभाषाएं हैं, किस किस की? सेंट्रो की, बेरोन की और सिसलेरी की। दोस्तों ये सारी की सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन के पीछे उसके कुछ छिपे लक्ष्य यानी गोल्स होते हैं। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य, चलिए दोस्तों मनोविज्ञान के लक्ष्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों ये लीजिए, मनोविज्ञान के तीन लक्ष्य हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो है मापन और वर्णन, मापन करना और उसका वर्णन करना यानी मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। तीसरा है उसकी व्याख्या करना। तो मनोविज्ञान के तीन प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों, ध्यान रखना है। कौन कौन से? मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है उसकी व्याख्या करना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनके बारे में विस्तार से कि मापन एवं वर्णन क्या है। पहला अपने सामने है मापन एवं वर्णन का जिक्र, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये आ गया आपके सामने मापन एवं वर्णन की चर्चा। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा फिर उसे मापन करना होता है। दोस्तों सबसे पहले जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जितनी भी है उनका वर्णन करना और उसका फिर मापन करना प्रमुख लक्ष्य, पहला लक्ष्य है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है। इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए मनोविज्ञान का एक प्रमुख लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रविधि का विकास करना भी है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम दो गुणों का होना अनिवार्य है। वह दो गुण कौन कौन से है दोस्तों? एक तो है विश्वसनीयता और है दूसरी उसकी है वैधता। जी हाँ दोस्तों, एक विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और है फिर वैलिडिटी यानी वैधता। विश्वसनीयता से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो विश्वसनीयता दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखना है। ये आगे वर्ड भी आएंगे आपके, इनकी परिभाषाएं विस्तृत भी आएगी कि विश्वसनीयता से तात्पर्य है इस तथ्य से होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के किसी प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आना, उस वह क्या कहलाती है दोस्तों? विश्वसनीयता। वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। तो दोस्तों जिस उद्देश्य के लिए वो परीक्षण बनाया गया है, क्या वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? यदि कर रहा है तो वह परीक्षण कैसा है? वैधपूर्ण है, वैधतापूर्ण है। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 150 आता है तो मनोवैज्ञानिक ये समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है और वह विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो दोस्तों ये था पहला कौन सा, मापन और वर्णन का कार्य जो कि मनोविज्ञान का लक्ष्य माना जाता है। फिर दूसरा लक्ष्य आपका आता है मित्रों कौन सा, यह आता है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान में पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाया जा सकता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। जहां तक पूर्व कथन का सवाल है, इसमें सफलता मापन की सफलता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ये पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है तथा ये कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वानुमान लगाया जाता है मनोविज्ञान में, तो इसी आधार पर जो है वह अलग अलग व्यक्तियों पर पूर्वानुमान करता है कि यदि ऐसी परिस्थिति आई तो व्यक्ति इससे कैसे निपट सकेगा और किस प्रकार वह इस परिस्थिति में समायोजन करेगा। जैसे अगर हम किसी छात्र के सामान्य बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही सही जान लें
तो हम स्कूल में उसके निष्पादन के बारे में पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की अभिरुचि को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह कार्य में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ में चलता है और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों वो आपके क्या होता है निर्धारित होता है। चलिए दोस्तों अगले पेज पे हम पहुंच रहे हैं। ये लीजिए मित्रों, तीसरा जो है दोस्तों मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है वो क्या है दोस्तों, व्याख्या करना। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है व्याख्या करना, किसी भी परीक्षण की जो है व्याख्या करना। तो तीसरा आपके आ चुका है कौन सा, व्याख्या करना। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्धारण करते हैं ताकि उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांत ज्ञात स्रोतों से तथ्यों को संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं जहां वे सही उत्तर नहीं जान पाते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोवैज्ञानिक का सबसे अव्वल लक्ष्य होता है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक यह नहीं बतला पाते कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम में ले रहा है, तो वे सही ढंग से न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं और न ही सही ढंग से उसका नियंत्रण संभव है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के जो तीन उद्देश्य हैं, तीन लक्ष्य हैं, आपको ये याद रखने हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान का इतिहास। तो दोस्तों मनोविज्ञान का इतिहास क्या कहता है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों साइकी तथा लोगस से हुई है। ग्रीक भाषा में साइकी शब्द का अर्थ आत्मा तथा लोगस का अर्थ है शास्त्र या अध्ययन करना। इस प्रकार पहले समय में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन से संबंध विषय माना जाता था, लेकिन आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्गम मनोविज्ञान सार्थकता के प्रश्नों के संबंध में प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है और वे दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है दोस्तों पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है वैज्ञानिक काल। जी हाँ मित्रों, पहला आपके कौन सा है, पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है वैज्ञानिक काल। तो पूर्व वैज्ञानिक काल क्या है देख लेते हैं। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स आदि के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विशेषकर 1878 तक माना जाता था। इस काल में हिप्पोक्रेट्स ने 400 BC में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया था जिसका प्रभाव आने वाले मनोविज्ञानिकों पर काफी पड़ा और शेल्डन ने बाद में चलकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, जो शेल्डन ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया है इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हम पहला जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, दो भागों में बांटा है। कहा गया का निर्माण हिप्पोक्रेट्स के विचारों से ही प्रभावित होकर किया गया। तो दोस्तों शेल्डन ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो किससे प्रभावित होकर बताए हैं, वो हिप्पोक्रेट्स के विचारों से संबंधित ही बताए हैं। ग्रीक दार्शनिक जैसे अगस्टाइन तथा थॉमस का विचार है कि मन तथा शरीर दोनों ही चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, परंतु देकार्ते, लिबनिज तथा स्पिनोजा आदि ने बताया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो मत है वो चल रहे हैं। ग्रीक दार्शनिक देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे लोक का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है
और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके परिभाषा बन गई है कि किसने कहा था कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है और जैसे जैसे वो विकास करता है नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। किसने कहा था दोस्तों? लोक ने। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? लोक ने। याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा बनी आपके। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रत्यय का जन्म हुआ जिसे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। रूसो जैसे दार्शनिकों का कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है। जी हाँ दोस्तों, रूसो ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य जो है जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देता है। दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिक का मत था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं, फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत अभी हम देख रहे हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र का था जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। तथा दूसरा क्षेत्र भौतिक तथा जैविक विज्ञान का था जिसमें ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन पर बल डाला गया। इस क्षेत्र में वेबर, ए फेकनर आदि का योगदान अधिक महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों ये पूर्व वैज्ञानिक काल जो है वो अपना पूरा होता है, इसमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो अलग अलग अपना मत प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है दोस्तों वैज्ञानिक काल, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में हम विशेष प्रकार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वैज्ञानिक काल क्या कहता है उसके बारे में संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक काल के बारे में देखें, वैज्ञानिक काल की जो शुरुआत है दोस्तों वो मानी गई है सन 1879 से शुरू हुआ। इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोली थी। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोगियों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ और उन स्कूल पर वुंट के मनोविज्ञान का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, मनोविज्ञान के ऐसे 5 प्रमुख स्कूल है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। दोस्तों अब हम मनोविज्ञान के जो 5 प्रमुख स्कूल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, ये पार्ट 1 आज आपका पूरा होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है। दोस्तों इसमें 2-3 परिभाषाएं जो मुख्य रूप से बनी वो परिभाषाएं आपको याद करनी है, और सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान किसने माना था ये भी याद रखना है। दोस्तों विलियम वुंट ने जो है वो कब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला और कहाँ स्थापित की, ये सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन गए दोस्तों। अब हम 5 स्कूलों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।